गुड मॉर्निंग बच्चों, आज हम लेसन 14 का रिवीजन करेंगे। लेसन का जो नाम है वो पेड़ है। तो सबसे पहले हम लेसन की रीडिंग करते हैं और इसके बाद उसके क्वेश्चन आंसर समझेंगे। आइए सीखें। सबसे पहले दिया हुआ है कविता कर ले ताल से वाचन, कविता का भाव समझना, तुकान शब्द एवं सार्थक शब्द बनाना, वाक्यांश के लिए एक शब्द लिखना। इन सब चीजों को हम इस लेसन के अंतर्गत पढ़ेंगे, अभ्यास कार्य में भी नहीं करना है। तो देखेंगे सबसे पहले इस पाठ में जो कविता है उसका वाचन करना है। पेज नंबर 95 में है, इसे आप निकाल लें। खड़े खड़े मुस्काते पेड़ कहीं ना आते जाते हुए, खड़े खड़े मुस्काते पेड़ कहीं ना आते जाते पेड़, जंगल हो या तड़क भड़क हो, पर्वत घाटी खुली सड़क हो, बादल बिजली तेज कड़क हो, किंतु नहीं घबराते पेड़, सैनिक से उठ जाते पेड़, खड़े खड़े मुस्काते। हरे गुलाबी गहने पहने, सीख गए सब आतप सहने, इनकी मस्ती के क्या कहने, हंसना हमें सिखाते, सुंदर दृश्य दिखाते, खड़े खड़े मुस्काते, तरह तरह के फल उपजाते, खुशबू वाले फूल खिलाते, लेकिन थोड़ा सा झुक जाते, सच जनता के नाते फूले नहीं समाते पेड़, खड़े खड़े मुस्काते हुए। कड़ी धूप में बनते साया, सारा जीवन सरस बनाया, पेड़ों की है अद्भुत माया, पहले वर्षा लाते हुए फिर छतरी बन जाते हुए, खड़े खड़े मुस्काते हुए। ये कविता थी जो अभी आपने सुना, इसको आपको पढ़ना है कविता को। इसमें जो शब्दार्थ है सबसे पहले उन्हें लिखना है और याद करना है, इसके पश्चात आपको लेसन की रीडिंग करनी है ताकि आपको बात समझ में आए। तो सबसे पहले देखिए मीनिंग देखते हैं इसकी। शब्दार्थ जो है तड़क भड़क, चमक दमक, घबराते, डर जाते, मस्ती, मतवालापन, साया, छाया, छाव, वर्षा, बरसात, कड़क, बिजली की आवाज, कड़कड़ाहट का कठोर शब्द जिसे कहते हैं कड़कड़ाहट, डट जाते, निडरता से टनकर खड़े होना, डट जाने कह जाता है, आतप गर्मी, फूले नहीं समाना, बहुत अधिक खुश होना। तो देखिए इसमें पहले सबसे पहले संदर्भ लिखते हैं। संदर्भ में पाठ का नाम, पाठ और कवि का नाम लिखा जाता है, रचनाकार का नाम लिखते हैं। तो उसमें प्रस्तुत पंक्ति है, इसमें प्रस्तुत पाठ हमारी पाठ पुस्तक असमार्थी पाठ 14 पेड़ नामक शीर्षक से लिया गया है जो संकलित है। प्रसंग में प्रस्तुत कविता में प्रस्तुत पंक्तियों में कवि ने पेड़ की महिमा का वर्णन किया है। पेड़ हमारे लिए कितने महत्वपूर्ण हैं, त्याग से भरे हुए हैं, इस चीज की व्याख्या की है, इस चीज को बताया है। तो इसमें अब इसको जो व्याख्या में करना है उसे आपको समझना है। खड़े खड़े मुस्काते पेड़ कहीं ना आजे आते जाते, कवि कहता है कि पेड़ अपनी जगह पर स्थायी रहकर हमेशा खुशहाल रहते हैं, एक ही जगह पर स्थायी रहकर स्थित रहकर हमेशा खुशहाल रहते हैं। वो यदि
इधर उधर स्थित रहना, मतलब एक जगह स्थिर रहना, कहीं एक जगह से दूसरी जगह ना जाना स्थिर रहना कहलाता है। तो पेड़ जो है अपनी ही जगह पर स्थित रहकर सदैव विशाल रहते हैं, चाहे जंगल हो या कहीं भीड़ भाड़ का क्षेत्र हो, पर्वत हो, घाटी हो या फिर खुली सड़क हो, ऐसी जगह पर इन जगहों के नजदीक जो पेड़ हैं वो भी सदैव खुशहाल रहते हैं, अपनी स्थिति में सदैव खुशहाल रहते हैं। चाहे बादल गरजे, बिजली कड़के, ये इनकी कड़कड़ाहट और बादलों की कड़कड़ाहट से कभी भी व्यथित नहीं होते हैं, कभी भी घबराते नहीं हैं। ये सदैव सैनिकों की तरह अपनी जगह पर स्थिर रहते हैं। जिस तरह से सिपाही मातृभूमि की रक्षा के लिए सरहद पर डटा रहता है, ठीक उसी तरह पेड़ अपनी जगह पर स्थिर रहकर प्रकृति की सभी आपदाओं को सहते हैं। हरे गुलाबी गहने पहने सी गैर सबात्मक सहने, इनकी मस्ती के क्या कहने, हंसना हमें सिखाता है। तरह तरह के जो पेड़ हैं और उनमें जो रंग बिरंगे फूल खिले हुए हैं, ऐसा लगता है कि ये पेड़ फूलों के गहनों से लदे हुए हैं, ऐसा लगता है कि ये सारे पेड़ फूलों के गहने पहने हुए हैं, फूलों के द्वारा इनका श्रृंगार प्रकृति ने किया है, ऐसा प्रतीत होता है। इनका मतवालापन यह देखकर महसूस होता है, ये सदैव हमें खुश रहना सिखाते हैं, हमें अच्छे और सुंदर दृश्य दिखाते हैं और त्याग और समर्पण की भावना से ओतप्रोत हमें जीना सिखाते हैं। इस तरह ये खुशहाल रहते हैं, तरह तरह के फल उपजाते, खुशबू वाले फूल खिलाते, लेकिन थोड़ा सा छुप जाते सब जनता के नाते। तरह तरह के फल उपजाते, ये हमें विभिन्न प्रकार के फल हमारे उपयोग के लिए हमको देते हैं, इनमें तरह तरह के फूल और फल निकलते हैं जो खुशबूदार और स्वाददार फल होते, खुशबूदार फूल और स्वाददार फल होते हैं। इसके बाद भी ये हमेशा फूलों से और फलों से लदे रहने के बाद भी ये हमेशा नतमस्तक होते हैं, झुके रहते हैं, ये हमें झुकना सिखाते हैं, ये सदैव खुशहाल रहते हैं और हमें सज्जनता सिखाते हैं। कड़ी धूप में बनते साया, सारा जीवन सरस बनाया, पेड़ों की है अद्भुत माया, पहले वर्षा लगते। गर्मियों के दिन में तेज धूप होने के कारण, या गर्मी के दिनों में तेज धूप में भी ये अपनी जगह को नहीं छोड़ते, अपनी जगह पर स्थिर बने रहते हैं, हमेशा स्थायी रहते हैं और हमें छाया प्रदान करते हैं। खुद तो धूप में रहकर हमें छाया प्रदान करते हैं, त्याग और समर्पण की भावना हमें सिखाते हैं। और हमारे लिए बारिश बुलाते हैं या बारिश बादलों को अपनी तरफ खींचते हैं, जिसके कारण बरसात होती है, तो
बारिश होने में इन पेड़ों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। फिर छतरी बन जाते पेड़ खड़े खड़े मुस्कुराते पेड़ बारिश को बादलों को खींचने में, बादलों को अपनी तरफ आकर्षित करने में बारिश के लिए भी यही महत्वपूर्ण है। पेड़ हमारे लिए बारिश लाते हैं और फिर हमारे हमारे लिए छाया भी बनाते हैं। तो इस तरह से ये पेड़ त्याग समर्पण की भावना से भरे हुए हैं और हमें हमेशा खुशहाल रहना सिखाते हैं। इसके बाद इसमें देखें पेज नंबर 98 में निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखना है। खड़े खड़े कौन मुस्काते हैं? अभी आपने देखा कि खड़े खड़े मुस्काते पेड़, तो इसका उत्तर बहुत सरल है। खड़े खड़े पेड़ मुस्काते हैं। पेड़ ने कैसे गहने पहने? हरे गुलाबी गहने पहने। कैसे गहने पहने हैं? पेड़ हरे और गुलाबी रंग के गहने पहने हुए हैं। पेड़ अपनी मस्ती से हमें क्या सिखाते हैं? पेड़ अपनी मस्ती से हमें हंसना सिखाते हैं। पेड़ अपनी मस्ती से हमें हंसना सिखाते हैं। और सभी प्रकार की के कष्टों को सहना सिखाते हैं। सभी प्रकार की विपत्तियों को या कष्टों को हमें सहना सिखाते हैं और सदैव हंसना सिखाते हैं। पेड़ हमें क्या क्या देते हैं? पेड़ हमें क्या क्या देते हैं? तो पेड़ हमें पत्ती, फूल, फल और सूख जाने के बाद लकड़ी हमें प्राप्त होती है। इस तरह पेड़ों से हमें पेड़ों के कुछ पेड़ ऐसे होते हैं जिनके सभी भाग हमारे लिए उपयोगी होते हैं। जड़ से लेकर जड़, तना, पत्ती, फूल, फल, ये सारे भाग पेड़ के हमारे लिए उपयोगी होते हैं। तो पेड़ हमें क्या क्या देते हैं? जड़, तो प्रमुख रूप से हमें फल, फूल, पत्तियां, फल फूल देते हैं और शुद्ध हवा हमें देते हैं, जो जीवनदायिनी हमें हवा देते हैं, ऑक्सीजन देते हैं, जिससे हमारा जीवन चलता है। पेड़ों को सैनिक क्यों कहा गया है? पेड़ों को सैनिक क्यों कहा गया है? जिस प्रकार से सैनिक मातृभूमि की सेवा के लिए अपना तन मन न्यौछावर कर देते हैं और सैनिकों का जीवन जिस प्रकार त्याग और समर्पण से भरा हुआ है, उसी प्रकार पेड़ अपनी जगह पर स्थिर रहकर परोपकार में, परोपकार त्याग और समर्पण में अपना जीवन, अपना सर्वस्व जीवन न्यौछावर कर देते हैं, अपना सर्वस्व न्यौछावर कर देते हैं। इसलिए पेड़ों को सैनिक कहा गया। इस तरह से आपको इन प्रश्नों के उत्तर लिखने हैं, इन्हें लिख सकते हैं। देखिए पहला प्रश्न है, खड़े खड़े कौन मुस्काते हैं? कारण का प्रश्न है। Thank you.
खड़े खड़े पेड़ मुस्काते हैं, उस नंबर का उसको देखें, उसका उत्तर देखें। ये कुंडा भैंस का कार्य चल रहा है, आपको अच्छी तरह से समझना है, लिखना है और उसे याद करना है। पेड़ ने कैसे गहने पहने, पेड़ में हरे गुलाबी गहने पहने हरे गुलाबी कहने कहने हुए हैं। तीसरा है, पेड़ अपनी मस्ती से हमें क्या सिखाते हैं। पेड़ अपनी मस्ती से हमें हंसना सिखाते हैं, पेड़ अपनी मस्ती से हमें हंसना सिखाते हैं। प्रश्न नंबर घा देखें, पेड़ हमें क्या क्या देते हैं। पेड़ हमें फूल फल एवं शुद्ध हवा देते हैं।
बिनोस को सैनिक क्यों कहा गया है? त्याग समर्पण त्याग सेवा त्याग सेवा और सदैव लोक सेने को भी त्याग सेवा और सदैव अपनी स्थान पर स्थित रहने सभी सहने के कल्याण देखिए ये सारे प्रश्नों के उत्तर है। ढंग से देखें पेड़ खड़े खड़े क्या करते हैं? खड़े खड़े पेड़ मुस्काते हैं। पेड़ कैसे गहने पहने हुए हैं? पेड़ हरे गुलाबी गहने पहने हुए हैं। पेड़ हमें क्या सिखाते हैं?
फिर अपनी मस्ती में कैसे करते हैं, अपनी मस्ती से हमें हंसना सिखाते हैं, फिर हमें क्या क्या देते हैं, एक लक्ष्मी रूप वाले शुद्ध हवा देते हैं। देखिए बहुत सारे इसके अलावा वो पेड़ से हमें लकड़ी मिलती है, पत्ती मिलती है, जड़ मिलती है, उपयोगी जड़ मिलती है, तो ये पेड़ से बहुत सारी चीजें हमें मिलती है, लेकिन उनमें जो प्रमुख चीज है फूल फल एवं शुद्ध हवा पेड़ों के द्वारा हमें प्राप्त होता है उसको लिखना है, ठीक है। इसके बाद पेड़ों को सैनिक क्यों कहा गया है इसे भी समझना है। तो पेड़ों को सैनिक उनके त्याग सेवा समर्पण और सदैव अपने स्थान पर स्थिर रहकर सभी अथक सहने के कारण कहा गया है, इस चीज को ध्यान रखें और इनको अच्छी तरह से प्रश्नों के उत्तरों को लिखना है, समझना है और याद रखना है। इसके बाद जो दूसरे एक्सरसाइज है उसको हम अगले लेक्चर में करेंगे।